हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। अभी मॉनसून का टाइम चल रहा है और कुछ परेशानियां सबके सामने आ रही हैं। उसमें से कुछ बातों का जिक्र मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी किया है, तो मॉनसून के वो वीडियोस आप देख सकते हैं। लिंक्स मैं सब डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। पोस्ट रेन कुछ प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं, तो उनको देखते हैं क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। और वो मानसून का पार्ट है, उसे हमें एक्सेप्ट करके चलना पड़ेगा। तो कुछ थोड़ी सी सावधानियां कर सकते हैं जिससे हम कुछ चीजें बचा सकते हैं। आइए देखते हैं। ये कुछ इस तरह की प्रॉब्लम आपके सामने आएगी। रॉट, एक्चुअल में रॉट नहीं है, ये बर्न है। बारिश होती है, ये जो ऊपर का हिस्सा है सॉफ्ट है, देखो ये पानी अब्जॉर्ब करेगा। और मैक्सिमम प्लांट का पूरा हिस्सा ही पानी अब्जॉर्ब करता है, लेकिन ये थोड़ा सा और कच्चा है। ये पत्तियां जो हैं वो ज़्यादा पानी अब्जॉर्ब कर लेती हैं। उसके बाद जब टेम्परेचर चेंज होता है, बीच में बारिश रुक गई एक आध दिन के लिए और टेम्परेचर चेंज हुआ, एकदम से हीट बढ़ती है, तो इस तरह का सीन क्रिएट होता है। ये नुकसान है छोटे छोटे जो होते हैं, मैं पास से दिखाता हूँ। ये देखिए, ये तो इस तरह के डैमेजेस दिखेंगे, कई बार पूरा प्लांट ही खत्म हो जाएगा। ये देखिए, ये एक और ये है, तो ये प्रॉब्लम्स हमारे सामने आएंगी। तो इसका या तो बचाने का तरीका यही है कि ये जो बरसात के बाद हम प्लांट को एक बार बारिश दिखाई और उसके बाद उसको ऐसी जगह रख दें जहाँ पे एकदम से धूप का एक्सपोजर ज़्यादा ना हो। तो एक तो तरीका ये है, बस बीच बीच में फंगिसाइड देते रहेंगे तो थोड़ा सेव हो सकता है। लेकिन ये फंगस का केस नहीं है, ये केस ये है कि प्लांट के लीव्स ने पानी अब्जॉर्ब कर लिया अच्छी तरह से और उसके बाद वो हीट होने से वो एकदम से अब्जॉर्ब हीट होने के बाद वो एकदम से इवेपोरेट नहीं होता, वो जला देता है उसको। अपने ही पानी से जल जा रहा है, सब समझ लीजिए एक तरह से। ये तो ये अपने ही पानी से जल जा रही हैं चीज़ें। तो ये अगर ये लीव तक रहा तो ठीक है, नुकसान छोटा ही होता है, लेकिन कई बार टॉप बर्न हो जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी कि ये होता है, ये बारिश का हिस्सा है। बारिश हमें बहुत कुछ दे के जाती है, हमारे प्लांट्स के जो कॉडेक्स हैं वो मोटे हो जाते हैं और प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो जाती है, अच्छी डेवलपमेंट होती है प्लांट्स के अंदर। लेकिन एक हिस्सा ये भी है जो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये कुछ सीडलिंग्स में देखने को मिलेगा, इस तरह से पत्ते पीले पड़ेंगे। पहले तो ये ग्रीन होता है, उसके बाद ये ब्लैक कलर के स्पॉट्स दिखाई देंगे छोटे छोटे, और उसके बाद ये पीला पड़ के निकल जाएगा। हालांकि ये बहुत रेन में एक्सपोज नहीं है, एक थोड़ी देर के लिए रेन में दिखाया और उसके बाद इसको हमने उठा के छाया में रख दिया जहाँ पे ज़्यादा धूप नहीं आ रही है। हवादार वेंटिलेशन प्रॉपर होनी चाहिए, बहुत ध्यान रखना है। आप जहाँ भी आपके प्लांट्स रखे हैं तो वेंटिलेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर वेंटिलेशन अच्छी है तो नुकसान होने के चांसेस कम हैं। बाकी बीच बीच में फंगिसाइड देते रहें तो नुकसान के चांसेस कम रहेंगे। पानी का ध्यान रखें, पानी गमलों में ना रुके, सॉइल मिक्स सही हो। अगर किसी का सॉइल मिक्स में गड़बड़ है तो उसको थोड़ा सा बरसात से बचाइए, तो हेल्दी इस बरसात का हम फायदा उठा सकते हैं। बस ये जो समर में होने वाली रेन्स है ना, मॉनसून जो है, इसमें साइज में जैसा इंक्रीज होता है ना, वो कभी नहीं होता पूरे साल में। नॉर्थ इंडियन में तो खैर मैं यही फेस करता हूँ। ये लगाया था देखो 5/3/2022 को, और अब इसका साइज देखें, 7वां महीना चल रहा है, लगभग 4 साढ़े 3 4 महीने का टाइम हो गया। देखते हैं और देखते हैं। ये देखो कुछ उसी तरह का सीन यहाँ पर भी है, ये पत्ते जल गए, पानी पूरा जा रहा है, पत्ते जल गए। और ये है इसी तरह का येलो, ये यहाँ पे भी, ये लीव्स तक ही रह गया, बच गए। इस तरह के सीन दिखेंगे। एक चीज़ और फेस करेंगे हम ऐसे टाइम में, क्या होता है ब्रांचेस ऐसे लटकी हुई मिलेंगी आपको, बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे रॉट हो गया है। लेकिन वो कई बार सिर्फ जो एकदम हीट होती है ना, उसके चेंज की वजह से होता है ये। इसको आप देखेंगे, अगर यहाँ पानी पूरा है तो इसको उठा के छाया में रख दीजिए, एक आध घंटे छाया में रखने के बाद थोड़ा सा पानी देंगे तो ये वापस
बिल्कुल इरेक्ट हो जाते हैं, फिर से ठीक हो जाते हैं ये। सो ये बिल्कुल टेम्परेरी प्रॉब्लम है। हाँ, रॉट है तो वो चेक कर लेना चाहिए कई बार, लेकिन एक बार ये ट्रायल देना चाहिए कि इसको पानी देके छाया में रखो पहले थोड़ा टाइम, ताकि टेम्परेचर की वजह से अगर ये सॉइल मीडिया हॉट है तो वो नॉर्मल हो जाए, और उसके बाद इसको पानी देंगे तो एक आध घंटे के अंदर ये धीरे धीरे फॉर्म होना शुरू हो जाता है। अगर वो अपने साइज़ में वापस जा रहा है, अपने फॉर्म में वापस आ रहा है, इसका मतलब प्लांट ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके बाद भी अगर वो लटका हुआ है, पत्ते लटके हुए हैं, तो फिर चेक कर लेना चाहिए रूट्स को निकाल के एक बार। आज कुछ ज़्यादा धूप तेज़ नहीं थी, नहीं तो ये वाला जो मेरा प्लांट है ये ऐसे ही लटक जाता है, लेकिन अभी फिट है ये। सो हैव अ नाइस डे। बस यही कुछ बातें थी जिसकी इंक्वायरी मेरे पास मित्र लोग कर रहे थे, तो मैंने सोचा एक छोटा सा वीडियो बना दिया जाए और सब उससे बेनिफिट उठा पाएंगे। ये देखिए, बरसात जादू लेके आती है, बिल्कुल हरा है सब कुछ, एक एक प्लांट को देखने में मज़ा आ रहा है। कॉडेक्स अपने फूल के मोटे हो जाते हैं। ये सब बरसात का कमाल है, थोड़ा नुकसान ज़रूर होता है लेकिन पार्ट है, सब चीज़ें एक साथ चलती हैं। सो हैव अ नाइस डे अगेन, नमस्कार।